कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू को लेकर चर्चा करते हैं, तो इस वक्त मेरे साथ हैं शिवसेना के अध्यक्ष हैं मुनीश सैनी जी। इनसे मैं जानूंगा कि जो उनका स्लोगन आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि हमारी डोगरा रियासत की जो संस्कृति है उसकी पहचान हम मिटने नहीं देंगे, तो मकसद क्या है इनका, क्या कहेंगे जी आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान को, संस्कृति को मिटाने के प्रयास हो रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत ये प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही के अंदर चुनाव आयोग के अधिकारी आते हैं, पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हैं और उनके पत्रकार वार्ता के कुछ घंटे के बाद ये एक ऐसा घोषणा कर दी जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरी लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग नहीं है, उनको भी मतदान का अधिकार दे दिया जाता है। देखिए, अगर तो उनका इशारा पीओजेके की तरफ है, अगर उनका इशारा गोरखा समाज की तरफ है, अगर उनका इशारा वाल्मीकि समाज की तरफ है, या मात्र उन लोगों की तरफ है जो 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, यहां के स्थानीय लोग हैं, तो हम उस घोषणा का स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं यह भी ध्यान याद करवा दूं कि इन लोगों की तादाद 25 लाख नहीं हो सकती। उन्होंने एक आंकड़ा की स्पेसिफाई किया है और अपनी पत्रकार वार्ता में साफ तौर पर कहा है कि यहां के जो है व्यापारी लोग हैं जो बाहर के हैं, यहां के बाहर के लोग जो है यहां पर आकर बसे हैं, चाहे वो मजदूर हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को यहां मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा। हमें उस पर आपत्ति है। हम तमाम पार्टियां एकजुट होकर भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। शिवसेना अपने बलबूते पर भी आवाज बुलंद कर रही है। देखिए, हम चुनाव आयोग से पूछना भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग ये जवाब दे कि इस मतदान को, जो उनको वोट का अधिकार दिया जा रहा है, उस पर क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। कहीं ऐसा ना हो, हमें ये आशंका है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कई राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता की लालसा के लिए, सत्ता पाने के लिए, इस तरह के मूविंग वोटरों के सहारे एक राज्य और फिर दूसरे राज्य, फिर तीसरे राज्य के अंदर सत्ता पाने की अपनी लालसा ना कहीं पूरी करती हुई दिखाई दे। मनीष जी, एक प्रश्न मेरा हो रहा है कि आप अक्सर जो हमारी गुफकार अलायंस है इसके विरोध में आप रहते थे, तो आपको क्या मकसद था आपका कि आप कश्मीर में गए, वहाँ पे उनकी मीटिंग में हिस्सा लिया आपने, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक वो ऐसी बातें करते थे जैसे 370 बहाली की, जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी, हम उनके खिलाफ थे, लगातार डट कर खड़े रहे हैं। बीजेपी चाहे उनको समर्थन देती रही है, प्रधानमंत्री जी ने पीछे दिल्ली के अंदर बैठक के अंदर इनको न्योता भी दिया और इन लोगों ने प्रधानमंत्री की मीटिंग भी वहाँ पर जो अटेंड की, उस समय भी हमने इसका विरोध किया था क्योंकि उस समय ये 370 बहाली की बात करते थे। आज जो हमने, जो 22 अगस्त को, जो सोमवार को वहां पर जो है बैठक का आयोजन हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई थी। एक तो वो गुप्तकार अलायंस की बैठक नहीं थी, वो प्योर सर्वदलीय बैठक थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई थी, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं, तो हमें भी आमंत्रित किया गया था। हम वहां गए थे, अपने एजेंडे के साथ गए थे और मुझे खुशी है कि उस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी एक एजेंडे पर बात की गई। वो एजेंडा था मात्र जो गैर स्थानीय लोगों को जो वोट का अधिकार दिया जा रहा है उसके खिलाफ, और हमने ये वहां पर फैसला किया है, एकजुटता के साथ फैसला किया है कि इस घोषणा को कामयाब नहीं होने देंगे। जनता के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, डोर टू डोर जाना पड़े जन आंदोलन छेड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि जो आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, लगातार जो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति के ऊपर आघात किया जा रहा है, इसको जो है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुनीत जी, ये बताएं कि धारा 144 लगाई गई है हमारे जो जितने भी ब्रिज हैं जम्मू के, तो क्या कहेंगे? जैसे महाराज जी की छुट्टी की डिमांड की जा रही है, तो आपका पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, इसी से ये पता लगता है कि बीजेपी और प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है और किस तरह से जम्मू के लोगों की, संभाग के, जम्मू संभाग के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इनको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की तमाम सीटें पिछली विधानसभा चुनावों के अंदर, तमाम सीटें जम्मू संभाग से आई थी और अब ये अलग अलग तरह के जम्मू को जो है, जम्मू की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में इनको बहुत भारी साबित होने वाला है। देखिए, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से युवा राजपूत सभा अपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग कर रहे थे। वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने ये हमें कहने का मौका दिया, गर्व महसूस करने का मौका दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पिछले 10 सालों से
लगातार हम उसके लिए छुट्टी की मांग कर रहे हैं। पहले हम कश्मीरी नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे, आज बताइए हम किसके ऊपर आरोप लगाएं। यही बीजेपी पहले छुट्टी की मांग करती थी, अब सत्ता के अंदर आने के बाद छुट्टी घोषित तक नहीं की जा रही। बहुत छोटी सी ये डिमांड है। और कई बार एलजी साहब के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, कमेटी तक का गठन किया जाता है, मगर आज उनको शांतिपूर्वक ढंग से जो आंदोलन कर रहे थे उनकी आवाज को भी दबाया जाता, धारा 144 वहां पर लगा दी जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में बीजेपी को इसको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। शिवसेना जम्मू कश्मीर, क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए जल्द से जल्द यहाँ पर? देखिए, बहुत जल्द होने चाहिए क्योंकि अब कोई पता नहीं, बीजेपी की सत्ता की लालसा इतनी बढ़ती जा रही है कि आज गैर स्थानीय लोगों को यहाँ पर वोट का अधिकार दे दिया। अगर कल को और कुछ बीजेपी को प्रयोग करना पड़ा तो शायद वो भी प्रयोग करेंगे और जम्मू कश्मीर की पहचान, संस्कृति, हमारे हक लगातार जो है कम होते जा रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, जनता इस समय बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है बीजेपी को सबक सिखाने का। कई सालों से हमारे जो युवा लोग हैं वो सड़कों पे हैं, पीडीडी वाले, पीएचई वाले, क्या कहेंगे आप, किस नज़र से देखते हैं आप इनको? देखिए, बहुत बुरा हाल है इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों का, लगातार उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हमें 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि हमारी पूरी देख रेख केंद्र सरकार करेगी, मगर केंद्र सरकार के पास गैर भाजपा राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए तिकड़मबाजियां लड़ाने का, फेयर अनफेयर गेमें खेलने का, विधायकों को खरीद फरोख्त करने का, उससे ही समय नहीं है। तो आज जम्मू कश्मीर एक लावारिस यूटी बन चुका है। आप ये बताएंगे, एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले इलेक्शन लड़ेगी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि पहले ये इकट्ठे थे, कल तक मीटिंग हुई इकट्ठे थे ये, अब खबर आ रही है कि वो अकेले इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्यों, क्या हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये उनकी अपनी विचारधारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसमें शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं और उनको ये अधिकार है कि वो अकेले लड़ते हैं या किसी के साथ गठबंधन करते हैं। ये पार्टियों का अपना अंदरूनी मामला है, इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके की दूसरी पार्टी इसके अंदर कुछ बोले या किसी तरह का कमेंट्स करे। आपकी पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को लेकर किन मुद्दों के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे लोगों के बीच? देखिए, बिल्कुल हमने लक्ष्य पत्र तैयार किया हुआ है, जन आकांक्षाओं पर आधारित हमारा लक्ष्य पत्र है और हाई कमांड से हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी का निर्देश है। पीछे हफ्ते में मुंबई में अंदर था, वहां उनके साथ एक मीटिंग भी हुई जिसके अंदर उन्होंने आदेश दिया, मार्गदर्शन किया हमारा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर हम जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में जाएंगे। जनता का हमें समर्थन मिल रहा है बहुत ज्यादा और आने वाले समय के अंदर पहली बार इतिहास के अंदर जम्मू कश्मीर के 90 की 90 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर अपना जनता के समर्थन के बाद शिवसेना का परचम लहराते हुए देखोगे आप। एक और प्रश्न है, 25 लाख वोट, कम से कम 15 के करीब एमएलए होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि 50 प्लस का जो दावा कर रही है बीजेपी सही है? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बीजेपी ये समझ चुकी है, स्थानीय लोगों की नाराजगी को भांप चुकी है, नब्ज पहचान चुकी है, उसको पता है कि अब आने वाले समय में स्थानीय लोग तो उनको वोट करने वाले नहीं है। तो 2 सीटें जीते, 1 जीते या कोई भी ना जीते, मुझे लगता है अब बीजेपी सिर्फ गैर स्थानीय लोगों पर अपना दाव खेलेगी। अब वो देखते हैं कि अगर वो उनका पैंतरा कामयाब होता है या नहीं होता, ये भविष्य बताएगा। अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को कि जम्मू की आवाज़ कैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि डोगरा संस्कृति को कैसे बचाएं, तो कैसे बचाएंगे आप? देखिए, आवाज़ अगर इस समय देने की ज़रूरत है तो आवाज़ प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की आवाम लगातार अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर जम्मू के तमाम नेता जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं नकारा साबित हो रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर मैं तो कहता हूँ जनता को कि तैयार रहो, अपने साथ, आपके साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, उसका बदला लेने के लिए। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स के माध्यम से मेरे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष थे शिवसेना के, इनका कहना है कि जितनी जल्दी हो इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों के जो मसले हैं हल हो। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।